कैथल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस घटना ने जहां लोगों में रोष पैदा कर दिया है, वहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मामला कैथल के गांव फरीबाद के ब्लॉक राजौंद का है, जहां पर 30 दिसंबर की रात को 7 घरों में चोरों ने एक साथ हाथ साफ किया और लगभग 15 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इन चोरी की वारदातों से गांव वालों में खासा रोष है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 60 सालों में गांव में कभी भी चोरी नहीं हुई है। ये पहला ऐसा मामला है जहां पर एक साथ रात में 7 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और ये सभी मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो कि अपना गुजर बसर ही बड़ी मुश्किल से करते हैं, जिससे कि पूरे इलाके में खासा रोष है। हम यह समस्या लेकर आए हैं जी, हमारे गाँव में 6-7 घर में चोरी हुई है जी, और चोरी आज इस 60 साल से पहला कोई भी चोरी नहीं हुई थी गांव में, और हमारा पूरा गांव ने इसका पूरा दुख है 36 बरादरी ने कि भाई यह चोरी पकड़ी जा जानी चाहिए, जे चोरी नहीं पकड़ी गई तो ये गांव चुपचाप बैठने वाला नहीं है। नुकसान कितना हुआ? नुकसान कम से कम हमारे गाँव में 15 लाख का नुकसान होया जी। 2 घर तो ऐसे हैं जो अपना दूध बेच के काम चला रहे थे, उन दोनों घर में कम से कम 7-7 लाख का नुकसान होया जी, 6-7 लाख का। 2 घर में नुकसान है, एक की गुंठी गई है, एक का 10,000 रुपये गए है, किसी का 10,000 रुपये गए हैं, चांदी की बाली गई है। मतलब 7 घर जो ऐसे हैं, किसी में तो 10,000 का, किसी में तो 20,000 का, 2 घर तो जो ऐसे हैं जो कि 6 का 7 का नुकसान उनमें तो होया है। तो चाहते हैं हम चाहें कि हमने चोर मिलने चाहिए, गांव के सामने लाने चाहिए पुलिस ने भाई ये चोर है। कोई शक सुबह भी है क्या? शक सुबह नहीं है जी, कोई गांव के बारे में अपने शक सुबह नहीं है, कोई नहीं, किसी भी आदमी ने नहीं है भाई इस पे शक है। मामला दर्ज हो गया? मामला दर्ज हो रहा है जी, आज हम उरे SP साहब से मिले हैं, इसने भी कहा भाई हम CIU 2 तक केस दे देंगे और बिल्कुल इस पर पूरी जोर लगा कार्रवाई करेंगे, जो ये डंप है ये भी ठुआवेंगे और कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, गुस्साए ग्रामीण आज कैथल के लघु सचिवालय में इकट्ठा हुए और अपना रोष प्रकट किया। कैथल के लोग SP से मिले और जांच की गुहार लगाई, जिसके बाद उन्हें आश्वासन मिला है कि इस चोरी की जांच अब CIA 2 की टीम से करवाई जाएगी। वहीं गांव वालों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांग है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लिया जाए, नहीं तो गांव के लोग चुप बैठने वाले नहीं है। पंजाब के सिटी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।